नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अवैध संबंध के कारण पति ने पत्नी की गला दबाकर की हत्या। थाने पहुंचकर आरोपी पति ने किया आत्मसमर्पण। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला की तैयारियां का जायजा लेने डीएम पहुंचे सुल्तानगंज। कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। गुप्त सूचना पर ललमटिया पुलिस ने की छापेमारी। मैगजीन गोली के साथ दो बदमाश गिरफ्तार। खेल मैदान तैयार करने से रोके जाने पर बीएड के छात्र हुए आक्रोशित। कॉलेज प्रशासन के खिलाफ दिया धरना। और सिविल सर्जन के बॉडीगार्ड की पिस्टल कारतूस हुई चोरी। एसपी ने किया सस्पेंड। अब खबरें विस्तार से। भागलपुर शाकचक थाना क्षेत्र अंतर्गत नीलकंठ नगर कॉलोनी में विवाहिता नंदनी कुमारी की हत्या उसकी पति दीपक ने गला दबाकर कर दी। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि दीपक ने अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद थाने में जाकर सरेंडर कर दिया। वही मृतिका की बेटी वर्षा कुमारी ने बताया कि उसके पिता उसका गला दबा रहे थे, तभी उसकी माँ ने अपने पति को रोकने की कोशिश की, जिसके बाद दीपक ने रस्सी से अपनी पत्नी नंदनी का गला दबाकर हत्या कर दी। इधर मामले को लेकर बताया जा रहा है कि दीपक को शक था कि उसकी पत्नी का किसी के साथ अवैध संबंध है, जिसको लेकर घर में बराबर लड़ाई होती थी और शनिवार की रात भी लड़ाई होने की वजह से सुबह पति ने नंदनी की हत्या कर दी। हालांकि दीपक के सरेंडर करने के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। हम लोग को मेरा पहले गला दबा, फिर उसके बाद हम पापा बोले हुआ मम्मी को बोला कुंजी मैं काहे दब बच्चा काहे दब रहा है, तो बोला ठीक है छोड़ दिया। फिर मम्मी फिर बोल रहा था मम्मी बैठी, फिर पप्पा लबर से दाब दिया गला। उसके बाद क्या किया? फिर उसके बाद वहाँ से हम लोग का कपड़ा समटा, फिर दादी कन गया कपड़ा वहाँ दादी का हम लोग का छोड़ दिया, फिर महिला थाना गए, फिर यहाँ आए, फिर पापा जेल गए। पर ये सुबह में लड़ाई झगड़ा हुआ होगा और रस ये क्या कहता है बाइक का जो रस्सी होता है ना उसी से गला दबाया गया है। कौन दबा? पति उनका दबाया है और दबा के फिर वो थाना शाकचक थाना चले गए और फिर वहाँ जाके मेरा ससुर जी का इसका पापा का नंबर दे दिए कि आप घर पे ताला लॉक करके आए हैं, आपका बेटी को मार दिए। तो थाना वाला सब फ़ोन किया मेरे ससुर जी को, फिर वो मेरे हस्बैंड को फ़ोन किए, फिर वो आए घर पे तो देखे कि मरा हुआ पड़ा हुआ है। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला की तैयारी को लेकर भागलपुर जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन रविवार को सुल्तानगंज अजगैवीनाथ धाम पहुंचे, जहां डीएम ने तिलकपुर स्टेडियम, खादी भंडार प्रांगण, मुरारका कॉलेज, जहाज घाट, अजगैवीनाथ, गंगा घाट, कृष्णानंद स्टेडियम, सरकारी बस स्टैंड और धर्मशाला के अलावा कच्ची कांवरिया पथ समेत कई जगहों का निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने तमाम अधिकारियों को जल्द से जल्द गंगा घाट की बैरिकेडिंग, बिजली की व्यवस्था और पार्किंग स्थल का चिन्हित कर व्यवस्था दुरुस्त करने की बात कही। वहीं निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि श्रावणी मेला की तैयारी शुरू कर दी गई है और जनप्रतिनिधियों के अलावा विभिन्न विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर कांवरिया की सुविधा के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि बाहर से आने वाले कांवरियों को कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए तैयारी की जा रही है। वहीं डीएम के साथ तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे एसएसपी बाबूराम ने कहा कि श्रावणी मेला में कांवरियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ असामाजिक और आपराधिक गतिविधि में संलिप्त लोगों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी, जबकि गंगा घाट सहित कांवरियों पथ पर पुरुष और महिला पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। निरीक्षण के दौरान डीएम ने एडीएम राजेश छराचा, एसडीओ धनंजय कुमार और सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश शर्मा समेत अलग अलग विभाग के अधिकारियों को श्रावणी मेला की तैयारी पर नजर बनाए रखने का निर्देश दिया। मौके पर डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार, सीओ शंभु शरण राय, वीडियो मनोज कुमार मुर्मू, कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार, थानाध्यक्ष लाल बहादुर के अलावा विद्युत विभाग, पीएच, ईडी विभाग सहित कई अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। देखिए दुर्गा, इसमें लोगों को समझना होगा, अभी भी आप देख रहे हैं जैसे बैरिकेडिंग नगर परिषद ने कराया है। एक तो गंगा इतनी बड़ी नदी है जिसका कि जल स्तर घटता बढ़ता रहता है, अभी जैसे ही बारिश का मौसम शुरू होगा आप देखिएगा डेली जल स्तर में बढ़ोतरी होगी, फिर कभी घटेगा, तो बैरिकेड किया हुआ है। और गंगा आप इस पूरे ज़िले में देखेंगे, गंगा या कोसी जो दोनों मेजर नदियां हैं, मतलब इसका जो फैलाव है वो 150 किलोमीटर से ज़्यादा है और नदी के किनारे गांव बसे हुए हैं। तो लोगों को समझना होगा कि बच्चे अगर नदी की तरफ जा रहे हैं तो माँ बाप उनको रोके,
जहाँ गहराई है वहाँ स्नान करने ना जाएं। ऐसे हम लोगों ने बैरिकेडिंग भी कराया है और श्रावणी मेला में भी अच्छी बैरिकेडिंग जो होती है बल्ले की बैरिकेडिंग वो हम लोग सभी घाटों पर कराएंगे। अभी अनाउंसमेंट भी हो रहा है, उस समय SDRF की भी टीम रहेगी, अनाउंसमेंट सिस्टम की भी व्यवस्था रहेगी, बैरिकेडिंग की भी व्यवस्था रहेगी, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है जागरूकता। सुल्तानगंज में कई घटनाएं एवं अन्य प्रखंडों में भी डूबने की घटनाएं होती हैं, तो हम लोगों का ये प्रयास रहना चाहिए कि हम लोग आसपास के लोगों को, परिवार के बच्चों को बताएं कि जहां जो नहाने का जगह है, जहां पता है कि गहराई कम है, वहीं नहाएं, गहरे पानी में बिल्कुल ना जाएं। नाथनगर ललमटिया ओपी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए दो युवक को एक मैगजीन एवं दो जिंदा गोली के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक की पहचान साहेबगंज चौक निवासी भूम यादव के पुत्र विकास कुमार उर्फ मेघू और भूटान राय उर्फ संजय राय के पुत्र अमन कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि दो युवक द्वारा अवैध मैगजीन और गोली लेकर घूमने की सूचना मिली थी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने आरोपित युवकों को खदेड़ कर पकड़ लिया। वहीं तलाशी के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार युवकों के पास से एक मैगजीन और दो जिंदा कारतूस बरामद किया है। इधर ललमटिया थाना अध्यक्ष मिथिलेश कुमार ने बताया कि दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। भागलपुर घंटाघर स्थित टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में शनिवार को बीएड के छात्रों ने जमकर हंगामा किया। प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्रों ने खेल शिक्षक पर बदसलूकी का आरोप लगाते हुए कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। प्राचार्य कक्ष के बाहर आक्रोशित छात्र करीब 3 घंटे धरना पर बैठे रहे। इस दौरान छात्रों ने कॉलेज प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए। वहीं प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर मीनाक्षी चतुर्वेदी ने छात्रों द्वारा कॉलेज प्रशासन पर लगाए गए सभी आरोप को गलत एवं बेबुनियाद बताया। छात्र आर्यन राज ने बताया कि कॉलेज के करीब 30 छात्र छात्राएं दरोगा बहाली के लिए चयनित हुए हैं, इसलिए वे लोग महिला छात्रावास के पीछे लंबी और ऊंची कूद के लिए मैदान तैयार कर रहे थे, लेकिन खेल शिक्षक डॉक्टर संदीप सिंह ने ऐसा करने से रोक दिया। छात्र ने आरोप लगाया कि शिक्षक ने उनके साथ गाली गलौज की, जिसकी लिखित शिकायत कॉलेज प्रशासन से की गई है, जबकि कॉलेज प्रशासन का कहना है कि आर्यन राज खेल शिक्षक के साथ बदतमीजी से पेश आया और उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया। मामले को लेकर प्राचार्य डॉक्टर मीनाक्षी चतुर्वेदी ने आर्यन राज को शोकोस किया। वही छात्र अभिषेक कुमार, विकास कुमार, गोविंद कुमार और मनीष कुमार ने आरोप लगाया कि यहां के शिक्षक इंटरनल परीक्षा में कम अंक देने की धमकी देते हैं। मामला यह है कि हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर के प्रशिक्षु हैं और हमारे कलीग्स को आज माँ बहन को लगाकर गाली दिया गया है। इसमें बस मामूली सी बात पर बस ये था कि हम लोग को ऊंची कूद के लिए एक जगह बनानी थी, इस पर प्राचार्य महोदया ने अनुमति दे भी दी थी, इसके बावजूद अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए एक संदीप सर है हमारे, वो आए और उन्होंने कहा जो मतलब यहाँ पर नहीं बनेगा। तो प्रशिक्षु जो कि एक 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 विद्यार्थी की चारों तरफ से भी मार झेल रहा है, बीपीएससी का प्रश्न पत्र लीक हो गया, यहाँ पर बोला जाता है कि आप लोग का बिहेवियर पे नंबर दिया जाए, ठीक बिहेवियर पे नंबर दीजिए, लेकिन एक तरह से अगर चारों तरफ से मानसिक प्रताड़ना दिया जाता है कि नंबर काट लिया जाएगा, नंबर काट लिया जाएगा, नंबर काट लिया जाएगा, इससे हम लोग चारों तरफ से त्रस्त हो गए हैं। और जब हम लोग चाहते हैं कि हम लोग कुछ अपने वेलबींग के लिए करें, तो इसको क्या कहा जाता है कि इसको चारों तरफ से हम लोग को दबाव दिया जाता है। आज वही हुआ, आज एक घटना ये बताएंगे इनके साथ। आज आप क्या कर रहे हैं? आज हम लोग बस एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग कोई किसी भी वायलेंस का सहारा नहीं लेंगे, बस एकदम शांतिपूर्वक अहिंसात्मक तरीके से गांधी जी के रास्तों पर चलते हुए हम लोग बस बैठे हुए यहाँ पर हड़ताल पर हैं हम लोग। तो जब मैं बनी तो हमारे सामने कंप्लेन आई वैसे बच्चे की जो अच्छा परफॉर्म करते हैं कि मैम जब हम लोग दिन रात मेहनत करके हर काम में लगे रहते हैं, रेगुलर आते हैं, हम लोग को भी वही नंबर मिलता है जो इरेगुलर रहते हैं और अनुशासनहीनता करते, तो फिर हम लोग क्यों करें? तो हमने तो स्पष्ट बताया था इन लोग को कि रेगुलरिटी पे मिलेगा आपके अनुशासन, देख ही रहे आप, बिहेवियर पर मिलेगा, आपके असाइनमेंट पे मिलेगा, आपके इंटरनल पे मिलेगा, ठीक है? अब ये लोग सोचते हैं ये लोग कैसे भी बात करेंगे और हम लोग इन लोग के सामने रिक्वेस्ट वाले मूड में हैं। अभी मैंने कहा, ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, मैंने कहा कॉलेज अगर चल रहा है 10 से 5, हमारे यहाँ यूनिफॉर्म है, मैंने कहा यूनिफॉर्म में आइए हम बात करते हैं आपसे, नहीं हम यूनिफॉर्म में नहीं आएंगे, यूनिफॉर्म भूल गया, ये लोग कल भी आए थे, मैंने कहा यूनिफॉर्म में आइए बात करते हैं, ये लोग का 2 दिन से यूनिफॉर्म धुला हुआ है, तो देख लीजिए कुछ लोग यूनिफॉर्म में, मैं उन लोगों को बुलाई क्या 15 ये बात करते थे, ये लोग कहते नहीं हम बात नहीं करेंगे। सहरसा सिविल सर्जन के सरकारी बॉडीगार्ड मंजित कुमार की सरकारी पिस्टल और कारतूस की चोरी हो गई। बताया जा रहा है कि बीते 7 मई को नया बाजार निवासी विकास झा के मकान में हुई चोरी की घटना में किराएदार मंजित कुमार के कमरे में भी चोरों ने हाथ साफ कर लिया। वही घटना को लेकर मंजित कुमार ने बताया कि उनके कमरे के ट्रंक में रखा सरकारी पिस्टल और कारतूस के अलावा उनकी पत्नी के जेवरात को चोर लेकर
लेकर फरार हो गए, जिसकी शिकायत उन्होंने थाने में दर्ज कराई है। वहीं इसकी जानकारी मिलते ही एसपी लिपि सिंह ने बॉडीगार्ड को सस्पेंड कर दिया है, जबकि पिस्टल की बरामदगी के लिए एसपी के निर्देश पर एसआईटी टीम का गठन कर छानबीन शुरू कर दी गई है। इधर पुलिस का कहना है कि जल्द ही चोरी हुए पिस्टल को बरामद कर लिया जाएगा। सर्विस पिस्टल चोरी का मामला संज्ञान में आया है और जो कर्मी है उसको निलंबित कर दिया गया है। दो तीन लोग को चिन्हित भी किया गया है। हमारी प्रायोरिटी है वो पिस्टल को रिकवर करना, क्योंकि वो सरकारी हथियार है। और जो भूल हुई है, क्योंकि जो मतलब हमारा ये जब हमारे पास कोई भी सरकारी वो सरकार की प्रॉपर्टी है तो उसकी सुरक्षा सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। तो जो भी कर्मी है उसके द्वारा ये बेवकूफ़ी की गई है, तो उसके लिए उसको निलंबित भी किया गया है। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। आपके नजदीकी शहर बौंसी बिहार में एकमात्र फार्मेसी कॉलेज मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, जिसमें आपको मिलेगी स्मार्ट क्लास, स्मार्ट लैब और लाइब्रेरी जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं। अब आप भी डी फार्मा और बी फार्मा जैसे फार्मेसी कोर्स कर एक निश्चित सरकारी या गैर सरकारी संस्था में जॉब पा सकते हैं, साथ ही अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। इतना ही नहीं, बिहार झारखंड एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अपने बच्चों को इंटर के बाद फार्मेसी कोर्स करवाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका स्वर्णिम भविष्य बनाइए। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर हुसैनपुर स्थित पाकिजा चौक के समीप रविवार को परिसंवाद सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मानवाधिकार सुरक्षा एवं सतर्कता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सलीम सुगंध ने की। पुलिस पब्लिक बनाम नशा मुक्ति विषय पर आयोजित संवाद सभा में वक्ताओं ने अपनी बात रखी। इस दौरान सलीम सुगंध ने कहा कि समाज के युवा आज नशे की गिरफ्त में फंसते जा रहे हैं। इसका एक कारण है सहन शक्ति की कमी, क्योंकि आजकल युवा बहुत जल्दी अपना हौसला खो देते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि वे डिप्रेशन में चले जाते हैं और फिर वे नशे की गिरफ्त में फंस जाते हैं। वहीं समाज सेवी महबूब आलम ने बताया कि माता पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों को हालात से लड़ना सिखाएं और उन्हें मजबूत बनाएं। उन्होंने बताया कि आजकल नशा फैशन बनता चला जा रहा है, गलत संगत में पड़कर नशे को फैशन मान लेना युवा वर्ग की सबसे बड़ी कमजोरी है। दूसरों की देखा देखी में लोग नशा करने लग जाते हैं। संवाद सभा में मुजाहिदपुर थाना अध्यक्ष सुबोध कुमार ने कहा कि युवा पीढ़ी नशे की लत में आकर ना सिर्फ अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं बल्कि समाज भी बदनाम हो रहा है। उन्होंने सभी लोगों से अपनी जिम्मेदारी समझने और नशा मुक्त समाज को लेकर प्रशासन को सहयोग करने की बात कही। साथ ही भागलपुर पुलिस के ऑपरेशन नव चेतना अभियान की जानकारी दी। मौके पर संस्था से जुड़े कई सदस्य और इलाके के लोग मौजूद थे। मानवाधिकार सुरक्षा एवं सतर्कता परिषद की ओर से आज पुलिस पब्लिक और नशा मुक्ति के विषय पर एक परिसंवाद सभा का आयोजन किया गया है। इसमें हमारे थाना प्रभारी भी मौजूद हैं और समाज के लोग भी हैं कि आखिर पुलिस को और पब्लिक को इस नशा मुक्ति आंदोलन को हम लोग मिल करके किस तरह से इस अभियान को ज़्यादा से ज़्यादा, जो मेरा सरकार का भी मुख्य उद्देश्य है कि पूरे प्रदेश से ये नशा मुक्ति अभियान को मजबूती से चलाया जाए और नशा करने वाले को उसको ना कहा जाए, जिंदगी को हाँ और नशा को ना कहने का एक तरगीब दिया जा रहा है, एक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। भागलपुर जिला स्कूल के मैदान में 7 दिवसीय टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन युवा समाज सेवी विजय कुमार यादव द्वारा किया जा रहा है। टूर्नामेंट का विधिवत उद्घाटन युवा समाज सेवी विजय कुमार यादव, MLC NK यादव, भाजपा नेता बंटी यादव द्वारा संयुक्त रूप से फीता काट कर किया गया। उद्घाटन के पूर्व सभी अतिथियों का स्वागत बूके देकर किया गया। टूर्नामेंट का प्रथम मैच ब्रदर्स 11 और UCC टीम के बीच खेला गया। आपको बता दें कि 7 दिवसीय टूर्नामेंट में कुल 15 मैच खेले जाएंगे, जिसमें भागलपुर एवं पूरे बिहार से कई टीम हिस्सा लेंगे। टूर्नामेंट के विजेता टीम को 30,000 एवं उपविजेता टीम को 20,000 पुरस्कार राशि और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया जाएगा।
आपको बता दें कि युवाओं में खेल के प्रति रुचि को देखते हुए एवं उनके प्रोत्साहन के लिए लगातार युवा समाज सेवी विजय कुमार यादव द्वारा कई टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन में शामिल अतिथियों ने कहा कि ऐसे आयोजनों से अन्य युवा भी प्रेरित होंगे और उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। समाज सेवी विजय कुमार यादव ने सभी टीमों को बेहतर भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी और टूर्नामेंट से जुड़े सभी खिलाड़ियों एवं खेल प्रेमियों का आभार जताया। इस अवसर पर बिट्टू यादव, शेखर आनंद, आदित्य गुप्ता समेत कई खेल प्रेमी मौजूद थे। भागलपुर सुल्तानगंज नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड 18 दुधैला गंगापुर गांव में विगत 3 दिन पूर्व आई तेज आंधी से किसानों द्वारा लगाई गई मशरूम की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। वहीं इसको लेकर किसान गजाधर सिंह ने बताया कि लाखों रुपये खर्च कर पिछले 4 साल में मशरूम की खेती का प्लांट लगाया था, जिससे प्रत्येक साल 1 लाख रुपये की कमाई होती थी और अपना जीवन यापन करते थे, लेकिन तेज आंधी ने उसका प्लांट पूरी तरह बर्बाद कर दिया। साथ ही इस घटना के बाद जीवन यापन के लिए पीड़ित किसान ने सरकार, जिला प्रशासन और स्थानीय पदाधिकारी से मुआवजा की मांग की है। सर, 20 तारीख को जो आंधी सामने आया और उसमें जो है कि सारा प्लांट एक ध्वस्त हो गया। क्या प्लांट ध्वस्त हो गया? उसमें मशरूम उगाते थे। मशरूम की खेती? हाँ। किसान है आप? जी जी। क्या नाम हुआ? गजाधर सिंह। तो ये मशरूम की खेती करते थे? जी जी। ये कितना बीघा में का मशरूम की खेती? बीघा तो नहीं है सर। हाँ, ये 1300 स्क्वायर फीट के अंदर है। तो इसमें कितना का नुकसान आपको हुआ है? 2.5 लाख रुपये का। 2.5 लाख रुपये का? हाँ। तो आप तो गरीब किसान हैं। जी बिल्कुल गरीब। क्या तो कोई भी अधिकारी देखने के लिए आया है? अभी तक तो कोई नहीं आए हैं, किन्हीं को हम सूचना भी नहीं दिए हैं। किस वार्ड का है ये? वार्ड नंबर 18 है। 18 वार्ड नंबर? बिल्कुल। बांका के शंभुगंज प्रखंड दाड़ी पकड़िया स्थित SKM पब्लिक स्कूल में शनिवार को स्प्लैश कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन BDO प्रभात रंजन, थानाध्यक्ष पंकज रावत, स्कूल के निदेशक डॉक्टर मानवेंद्र कुमार गौतम एवं अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान छात्र छात्राओं के द्वारा विभिन्न विधाओं के तहत प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें काइट मेकिंग, कोलास मेकिंग, पोस्टर रंगोली, डांस और संगीत में छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के उपरांत विभिन्न विधाओं में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। वहीं स्कूल के निदेशक डॉक्टर मानवेंद्र कुमार गौतम ने बताया कि SKM पब्लिक स्कूल जिला ही नहीं बल्कि राज्य स्तर पर अग्रणी भूमिका निभाए, जिसके लिए वह सतत प्रयासरत रहेंगे। मौके पर डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह, सुधांशु कुमार सिंह, डॉक्टर अनिल कुमार, अवनीश सहित कई शिक्षक एवं छात्र छात्राएं मौजूद रहे। मधेपुरा नगर क्षेत्र में आम लोगों की सुरक्षा और आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए जिला प्रशासन की पहल पर नगर परिषद की ओर से 170 जगहों पर CCTV कैमरा लगाए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसको लेकर प्रथम चरण में चिन्हित किए गए 50 स्थानों पर संवेदक कर्मी के द्वारा CCTV कैमरा इंस्टॉल किया जा रहा है। प्रथम चरण में शहर के प्रवेश द्वार और मुख्य चौराहों पर कैमरा लगाने का काम किया जा रहा है। वहीं इसको लेकर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी अजय कुमार ने बताया कि नगर क्षेत्र में 170 जगहों पर CCTV कैमरा लगाया जाएगा, जिसकी मदद शहर में होने वाली गतिविधियों पर प्रशासनिक स्तर पर नजर रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि शहर के मुख्य चौक, चौराहे, भीड़ वाले जगह समेत अन्य जगहों पर कैमरा लगाए जाने की योजना है। मधेपुरा शहर के वार्ड नंबर 15 स्थित वेद व्यास महाविद्यालय परिसर से मद निषेध विभाग के अधिकारियों ने शराब तस्कर को धर दबोचा। वहीं मामले की जानकारी देते हुए मधेपुरा के मद निषेध अधीक्षक सुरेंद्र प्रसाद ने बताया कि सदर थाना क्षेत्र के वेद व्यास महाविद्यालय के परिसर में छापेमारी के दौरान काले रंग की हीरो स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल की डिक्की और बैग से कई विदेशी ब्रांड की शराब बरामद की गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि मामले में वार्ड नंबर 14 के सौर बाजार निवासी ब्रजेश कुमार और शराब पीने के जुर्म में वार्ड नंबर 15 जयपाल पट्टी के नीरज कुमार की भी गिरफ्तारी की गई है। इधर अधीक्षक के निर्देश पर अवर निरीक्षक नीतीश कुमार और प्रियंका कुमारी ने गिरफ्तार व्यक्तियों के खिलाफ अभियोग दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि शराब के साथ गिरफ्तार ब्रजेश कुमार वेद व्यास कॉलेज में लिपिक पद पर कार्यरत दीप नारायण यादव का पुत्र है और वह कॉलेज कैंपस में बने आवास में ही रहता था। और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अवैध संबंध के कारण पति ने पत्नी की गला दबाकर की हत्या, थाने पहुंचकर आरोपी पति ने किया आत्मसमर्पण। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला की तैयारियां का जायजा लेने DM पहुंचे सुल्तानगंज, कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। गुप्त सूचना पर ललमटिया पुलिस ने की छापेमारी, मैगजीन गोली के साथ 2 बदमाश गिरफ्तार।
खेल मैदान तैयार करने से रोके जाने पर बीएड के छात्र हुए आक्रोशित, कॉलेज प्रशासन के खिलाफ दिया धरना। और सिविल सर्जन के बॉडीगार्ड की पिस्टल कारतूस हुई चोरी, एसपी ने किया सस्पेंड। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।